मानते आखे के नबी नु दीवार दे पीछे दा इल्म नहीं ते दावा करे मैं कुरान हदीस नु मानना ते हदीस आखे नबी पहाड़ दे पीछे जानदा है सुभान अल्लाह ये मुनाफकत नहीं ते और की है बड़ी बड़ी मुनाफकत है यार सही सही हौली नहीं है बड़ी सारी है बहुत बड़ा क्यों जी एवें मसला है दीन किसे दी मर्जी दा नहीं हुंदा दीन ओ है जिहड़ा अल्लाह रसूल ने हुक्म कीता सुभान अल्लाह और दीन नाल एक ज्याती ये वे इतराज करते लोग मौलवियों ते मौलवी अंज करते ने मौलवी अंज करते ने मौलवी अंज करते ने मौलवियां दीन बिगाड़ छड़े दसो जी मौलवियां की बिगाड़िया दीन नूं मौलवी बेचारा बह के गल करदा वे इंजीनियर कोल बंदा जाए ना तो आखे कंध इत्थे रख ओए कहंदा जी ठीक है कहंदा यार सानूं की पता होवे उहनूं पता होवे जो आंदा जदा बई दरवाजा इत्थे होवेगा ठीक है जी इत्थे रख इतने अंज करके शेड बना दे बना दे इंजीनियर जिम्मे आंदा जाए ना इमारत हो कोई शाय हो बनाते जाते हैं क्यों वो जी सानू की पता वो उसे नक्शा बनाया उन्होंने ही पता इंजीनियर पता सानू की पता इस काम का चुप करके पिछा गए डॉक्टर जाके ना वो बांह से टीका लाए लाते लाए वो सीधा लटा के तो टूटिया शूटिया लादा रहे जो दिल के सीधा पुट्ठा सज्जा खब्बा खान बोए खंगन ला पेगा जीभ काटो जीभ कट लेगा अखा खोलो अखा खोल ला पेगा जो आंदा जाए आंदे सियाणा बंदा हो गया तू आखे पागल हो ओ नहीं जी शाह जी पागल तुसी हो गया मैं क्यों वो डॉक्टर है सानू तो नहीं ना पता आखिर उस वेखना है मैं क्या वेखे तो वो शकल ही बड़े कभी अखा खोलता कभी जीभ कटा उस आख्या जी वह शोभ है जनाब जो पता तो नहीं पता जाके नमाज़ पढ़ो यानी हर शोभा जिहड़ा है उहनूं पता है मौलवियां दा इह शोभा है मौलवी मसला दसे मुफ्ती असलम बदयालवी साहब मसला दस वो मौलवी जी असां वी उर्दू नाल कुरान पढ़े है हर बंदा मतलब जी टांगड़ आएगा उहनूं इह पता ओ जे तैनूं नहीं पता इह तां फलका तों पढ़दे रहिणे ते सब कुछ तूं ही वेख लैणा ते जिहनूं बिस्मिल्लाह दा तर्जमा नहीं आउंदा जे मैं सही बात कहना मजहब जिन्हें 14 साल ला के पढ़े नहीं पता मजहब के हर बंदे मुफ्ती बने हर बंदा मुफ्ती बने मजहब का उलिया तो आपे बिगड़ने लोगों का मतलब होता मजहब साड़ी मर्जी से चलाओ जो असी आखिए मजहब चो कढ़ो असी जाने ग्रामी मगर लोगो इस्लाम ये नहीं कि मर्जी ना चल बल्कि इस्लाम ये वे कि इस्लाम की मर्जी के मुताबिक चलिए अपनी मर्जी के मुताबिक ना करिए बल्कि खुद ओदी मर्जी के मुताबिक चलिए यह ना हो रसूल के मुंह जो निकले है आखिए साडी मर्जी के मुताबिक जो वे नहीं होना चाहिए जो अल्लाह रसूल लो तवजो फरमा दे ये कह रोग सब मेरा तेरे दुश्मन के लिए मैं रिपीट कर लगा तवज्जो नाल ए महबूबा तेरे गुलामां नु कोई डर नहीं ये कह रो गजब मेरा तेरे दुश्मन के लिए इनकार करदा शाह जी इत्थे किथे तुसी दूजा काम कर लिया मैं क्या कहदा ਅਖੇ ਜੀ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਸਤਾਖ ਤੇ ਸਿਆਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਲੀਫਿਆਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਰਾਬਾ ਕਿਹਾ ਫਖਰਜ ਨਿਕਲ ਜਾ ਫਖਰਜ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਗਰਿਨ ਜ਼ਲੀਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਕੋਈ ਕਵੀ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਡਬਲ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਟ੍ਰਬਲ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਦਾ ਹੋਵੇ ਚੌਲ ਕਾਫਰ ਸਹੀ 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 मैं शार्ट कर दा सा पिया असी जाने की रंग बस इख्तिताम कर लगा मिलके कह लो मैं भी तुहानू बढ़िया रखिया इन यार किसी राह जांदे उन्हूं मैं देखदी वह भी आखे लग जांदा तुसी पक्के हो कमे मूसा नाल जिहड़े हुक्म ने वह पूरे करने मगर यारवीं दिन तो बाद चुप करो चल गौस पाक बख्शवा देणगे किसे वली उलामा सुलहा यह भी नाल है वली तो मुराद यह नहीं भी कुगू खूह यूसुफ खूह हो अजकल भी एक मुसीबत बनी है साढ़े आज होंगे ना फसल नू अमरीकन सुंडी लग गई या तेला पै गई बीमारी पाकिस्तान ये साढ़े मजहब नू कोई बीमारियां पई ने किले नाथ खान किले जहल पीर ये बीमारियां लगी हैं असी बयान करने गौस पाक की करामत थले एक जहल तिड़दा हुंदा सानू एक मुसीबत इंज बच के लंघना पैंदा जिवें सब कसीरां चो लंघदा ईमान
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਸਮਝੋ ਪੀਰ ਸ਼ੀਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਚਵਲ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾਏ ਹੱਕ ਹਲੇ ਸੁਨਤ ਕੋ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਫੁੱਟੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋੜ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾਲੀ ਵੁਲੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਚਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਿਮ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇੱਕ ਆਬਦ ਪੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਉਲਮਾ ਕੋ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਝੇ ਰੋਕ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਸਜਿਦ ਮੇ ਖੜੇ ਹੋਕਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਲਮ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਆਬਦ ਪੇ ਇਤਨੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਅਤਰਾ ਪੇ ਮੇਰੀ